दो प्रेपरेशंस कर रही हैं, प्रेपरेशंस फ्रॉम एल्काइलाइज, ठीक है, बाय रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, जिसमें अपन ने नेम दिया सी बीटा एलिमिनेशन, याद है। सिमिलरली अपन ने सेकंड प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स से किया सीगा फ्रॉम अल्कोहल्स बाय डीहाइड्रेशन। दो तरीके नाल अपन डीहाइड्रेशन कर सकते सी, एक बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन और एक बाय हीटेड एलुमिना एट 623 केल्विन। ए टेंपरेचर्स अपन नु लर्न करने पैणगे, क्योंकि अगर टेंपरेचर चेंज होंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज होंगे, ठीक है। वो रिएक्शंस अपन प्लस टू जानगी है, प्लस टू जेवलियां भी आनगी है, क्योंकि अल्कोहल्स अपने सिलेबस जाए, ठीक है ना। सो कम ऑन टू द थर्ड प्रिपरेशन, आप इसको पार्टली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। मैं एग्जांपल भी दी सी क्लास, तो हम लिखो थर्ड प्रिपरेशन बने From alkynes, ठीक है। सो हम देखो ले, हम पहला सुन लो, बाद च नोट कर लियो, नोट करने लो कॉपी च भी है रिएक्शंस, बट जो पहला लिखने वाली चीज है वो सुन लो पहला। सो देखो, वी नो कि अपने पास अगर कोई एल्काइन है, ठीक है, तो अपने कोल उस दे विच हाइड्रोजन ऐड करने दे तीन कैटलिस्ट है। कितने कैटलिस्ट थी? निकल प्लैटिनम वैलिन, ठीक है ना। सो निकल प्लैटिनम या पैलेडियम, ठीक है, अपने को हाइड्रोजन ऐड हो जूगी, डन, ठीक है। बट हम इससे प्रॉब्लम क्या होगी, तुसी एल्काइन तो एल्कीन बना ली, दिस इज इथाइन, दिस इज इथीन, ठीक है। हुन इस रिएक्शन की प्रॉब्लम है, आपको पता है एक हाइड्रोजन हो रहा होगी, डबल तो की बन जूगा सिंगल बॉन्ड, यानी कि एल्केन, एल्काइन तो एल्कीन, एल्कीन तो एल्केन तो बनूंगा ना, अरे ये सैचुरेटेड नहीं होया, एरे विच एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जू, एक इधर ऐड हो जू, सो एक हाइड्रोजन हो रहा होगी, ये सैचुरेट हो जूगा, ते इथीन तो की बन जूगा इथेन, ये तो पता ना अपन, ठीक है, ये अपन ने नहीं होंगे ना, हुन अपना मुद्दा है कि नाउ वी आर नॉट डूइंग एल्केन्स, वी आर डूइंग एल्कीन्स, सो अपन ने रिएक्शन नु इस स्टेज पे रुकना है बेसिकली, है ना। वो अपा किवे रोकते हैं, सो अपने को दो तरीके है, देखो एक तो अपा इस दे विच ऐड कर देने हैं सल्फर या क्विनोलीन, दे एक्ट एज पॉइजन्स, सो अपा पैलेडियम दे नाल ऐड कर देने हैं सल्फर या क्विनोलीन, ये पॉइजन्स दा कम कर देने, ए एल्काइन तो एल्कीन बना देंगे बट एल्कीन तो एल्केन नहीं बनन देंगे, डन है कि नहीं। दिस होल कॉम्बिनेशन पैलेडियम, वैसे तो पैलेडाइज चारकोल होता है बट चलो खास गल नहीं, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर या क्विनोलीन इज कॉल्ड लैग्रांज कैटलिस्ट, ठीक है। सो पहली ऑप्शन अपने को लेके है कि अपना इधर विच लैग्रांज कैटलिस्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। दूसरी ऑप्शन की अगर जे मैं कैटलिस्ट ही चेंज करता, मैं निकल प्लैटिनम पैलेडियम पाउंदा ही नहीं, आई विल ऐड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन आऊगी, एल्कीन बन जूगी, बट इसको अगर रिएक्शन नहीं होगी। ये जेड़ा कैटलिस्ट है जो आप ए यूज करांगे, द रिएक्शन इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन, द रिएक्शन इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। पहले पहली तो जगह गल समझ गए ना, सो अपन ने एल्काइन तो एल्कीन बना ली बट एल्कीन तो एल्केन आप नहीं बना सकते, क्लियर है। पहला ये नोट करो, फिर आप करांगे कि लैग्रांज से बर्च विच अगर की फर्क है, ठीक है, पहला लिखो।
हो गया रुपये समझ आया लखवीर रवनीत देखो हम इतने आप इथीन बना रहे हैं जिसका कोई आइसोमर नहीं होगा ठीक है हम सपोज मैं एक हायर एल्काइन यूज कर रहा हूं सपोज देखो कि अपनी जी एल्काइन है दैट इज ठीक है ब्यूट टू वाइन है ना आप उसको हाइड्रोजन देवांगे तो अपने कोल ब्यूट टू इन बन जाएगी क्लियर है कि नहीं हम ब्यूट टू इन दे दो आइसोमर्स है केड़े केड़े सिस एंड ट्रांस ठीक है सो देखो यदि आपके दो फॉर्म्स है एक तो अवली फॉर्म ठीक है डन सो फिर एक है सिस के ट्रांस सिस दोनों सिमिलर ग्रुप्स एक साइड पे ठीक है या अपने को ऑप्शन है कि दोनों सिमिलर ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड एक ट्रांस आइसोमर बन गया ठीक है ना सो सिस एंड ट्रांस सो याद रखना रजे अगर तुसी यूज करोगे लिनार्स कैटलिस्ट अपने को सिस फॉर्म बनूंगी और अगर आप यूज करेंगे बर्च रिडक्शन तो अपने को ट्रांसफॉर्म बनूंगी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सेम रिएक्शन रिपीट होंगे नेक्स्ट पार्ट जब आप एल्काइन करेंगे समझ गए ना तो वो अपन करने की लोड़ ना पड़े लिखो हो गया ठीक है सो डन ठीक है भाई हाँ जी नाउ वी शैल मूव ऑन टू प्रिपरेशन नंबर फोर सो लिखो भाई प्रिपरेशन फ्रॉम विसिलर डायहैलाइड्स पता लिखना प्रिपरेशन फ्रॉम विसिनल डायहैलाइड्स ठीक है देखो देखो विसिनल देखो डायहैलाइड्स का मतलब की है भी दो हैलोजन्स ठीक है उन विसिनल का मतलब की है ठीक है ना इसको आप विसिनल भी लिख देते हैं आप एम भी लिख देते हैं विक डायहैलाइड्स फिर देखो क्या आता है
लेट इट बी मेरे को एक कंपाउंड है इथे रफ वर्क च लिखियो कितने भी मार्जिन दे विच देखो अपने कोल अगर एडा दा कंपाउंड है ठीक है मैं दा एक आइसोमर बना रहे हैं देखो किवें एक एच इधर ले आओ सीएल इधर ले जाओ हां जी दोनों आइसोमर्स है ना ठीक है इधर नाम की है 1.1 डाइक्लोरोइथेन इधर 1.2 डाइक्लोरोइथेन तो जदो दो हैलोजन्स या कोई भी दो कंपाउंड्स मतलब दो ग्रुप्स दो नाल वाले कार्बन्स के लगे हों तो उन्हें आप बोलते हैं विसिनल ठीक है तो जदो इको कार्बन के लगे हों तो उन्हें आप बोलते हैं जेमिनल या जेम डाइहेलाइड्स क्लियर ये चीज ध्यान रखनी है जो नाल वाले कार्बन से लगे है तो विसिनल अगर इको कार्बन पे लगे है था जेमिनल लिख लो रफ वर्क लिख लो मैं थोड़ा जा रिवाइज करवाना सुनो पहला जेड़ा आपने लास्ट डे किया सी उधर थोड़ी जो किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा सी ठीक है सो देखो राजे उस दिन आपने रिएक्शन की थी याद है इधर विच आपने पाया एल्कोहलिक KOH ध्यान होगा सब लोग K दे नाल Cl आउट OH दे नाल नाल वाले कार्बन तो H आउट वो ध्यान से कि नहीं अपने दो रिएक्शंस की थी कंपैरिजन एक एक्वस KOH की हुआ सी KCl आउट ते OH लग गया सी याद है ते एल्कोहलिक KOH दे विच KCl आउट एथो ते OH दे नाल नाल वाले कार्बन तो H आउट याद होगा सब नु मुझे ठीक है ते अपने कोल की बन गया से देखो एल्कीन बच गई KCl आउट ते वाटर याद है ये ठीक है थोड़े जी फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा सी कि अगर 2 Cl होंदे है ना तो 2 Cl पे है ठीक है हुन देखो इधर देखो ध्यान से पर हुन अपा एल्कोहलिक KOH नहीं पा सकते इधर देखो रे सो हुन अपने कोल 2 Cl है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਲਕੋਹਲਿਕ KOH ਪਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ H ਬਾਰ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ Cl ਬਾਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਟਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਈਵੈਲੈਂਟ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਲੋਰੀਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂ ਇਥੀਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲਕੋਹਲਿਕ KOH ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ठीक है इधर देखो हम जैसे तुम क्वेश्चन आता है अगले ग्रुप च करांगे अगले पार्ट च एल्कोहलिक KOH तो हम जे दो Cl ने तो दो के चाहिए है सो इधर दो मोल्स आएंगे देखो दोनों Cl K दे नाल आउट दोनों OH दे नाल जेडे K दे नाल Cl आ लग गया है H इथों जाऊगा जेडे दे नाल आ लग गया है H इथों जाऊगा ते अपने कोले की बच जू समझे ना ये अगला पार्ट आ गया अपना प्लस दो KCl प्लस दो वाटर्स पहले पहली गल जिन्नी चंगी तरह एल्कीन्स कर लोगे उन्ने सौखे रहोगे क्योंकि एल्काइन्स वाले तो बस वही रिएक्शन को अपने डबल करना है देखो ना अपने डबल ही कितना है ठीक है ना सो लिखो ना ऊपर वाली रिएक्शन अच्छा ना नेम की उधर से कॉमन नेम इथिलीन डाइक्लोराइड IUPAC 1.2 डाइक्लोरो इथेन 1.2 डाइक्लोरो इथेन ठीक है इधर नाम इथेन बन गया
हो गया राजे। डन है, ठीक है। एक अधिक एग्जांपल और देखो, मतलब कुछ भी आई जावे राजे, उधर मुड़ के अपने लिए इजी है, बस कर ले, हेलोजन हटाने हैं तो बॉन्ड डबल कर देना, ठीक है ना। देखो सपोज अपन आंदा है वन कॉमा टू डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। आपने जिंक पाया ZnBr2 आउट, फिर अपने को की बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH प्रोपेन, ठीक है। और नीचे लिख लिया करो, उधर की बात की प्रोपेन लिखो रिएक्शन। हो गया रे डन। सो अब लास्ट एंड फिफ्थ प्रिपरेशन पे मूव करते हैं, लिखो नेक्स्ट, लिखो लास्ट अपन ने एल्कीन्स की प्रिपरेशन च अगर सुनो याद होवे एक रिएक्शन की थी सी कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस है याद कुछ कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं था आज ऐसा ना कुछ देखो अपन ने कहा सी कि अपन पोटेशियम सॉल्ट लवांगे यदि इलेक्ट्रोलाइसिस होगी के पॉजिटिव आउट हो जाएगा फिर ये एनोड पे जाऊंगा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करूंगा फिर ये आपकी CO2 रिलीज करूंगा तो दो होल्स जुड़ के की बन जाएगा इथेन है तो आज कुछ ऐसा ना चलो फिफ्थ प्रिपरेशन लिखो कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लिखो फ्रॉम कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉलबेज दिस स्पेलिंग सबको पता होंगे छुट्टियां भी रिवाइज नहीं की थी एल्केन्स वगैरह रिवाइज करा करो जी फ्रॉम कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम पोटेशियम सक्सीनेट फ्रॉम कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट इधर देखो अभी दिस इज सक्सीनिक एसिड इसमें आप बोलते हैं सक्सीनिक एसिड जो मैं इस एसिड का एच हटा दूंगा इतने मेटल लगा दूं तो इसका सॉल्ट बन गया दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सक्सीनेट हूं इधर देखो सेम है उदा ही आप यदि करेंगे कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस होके के पॉजिटिव बाहर निकल जाएंगे अपने को बच जूगा सक्सीनेट आयन प्लस 2K पॉजिटिव डन इधर देखो फिर अपने जो दो इलेक्ट्रॉन कर दूंगा रिलीज अपने को ए हो जूगा न्यूट्रल डन फिर दोनों CO2 कर दियो बाहर तो अपने को की बच गया देखो CH2 बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गई इथीन ठीक है देखो
गया। ठीक है, सो इस दे नाल नाल जे प्रेपरेशंस भी खत्म हो गई। सो इतना इन्ना की हुंदा, ठीक है ना, प्रेपरेशंस रिएक्शंस प्रेपरेशंस रिएक्शंस, सो नथिंग इज टफ। ठीक है, समझ आई गल? डन। नेक्स्ट हेडिंग दियो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, इधर नाल डैश करके लिख लो रजे नोट्स, बस इन नोट्स तो रिवाइज कर लियो। थोड़ा मैं सारिया करवा चुके हैं जो अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किया। ठीक है, सारिया उस कवर्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डन। हुण आपां मेजर पार्ट ते मूव करते हैं जिहड़ा कि रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो कल जो तुसीं आओगे, ठीक है, क्योंकि अपने को एक दिन कल का पहले ही खराब हो चुके हैं, तो आप टेस्ट रखिए कि ना रखिए, दो ऑप्शन है देखो, या तो रिटन टेस्ट दे दो, ठीक है, तो या फिर जो तुसी आने हो पहले इतने क्वेश्चनिंग हो जूगी, फिर आप अगे पढ़ा। जो क्वेश्चनिंग आए नहीं रिएक्शन ने तो इतने बोर्ड तक लिखनिया पैनगियाँ। हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर या रिएक्शन याद करके आइए। नहीं, टेस्ट भी ऐसे नहीं होगा ना जी, रिएक्शन, ठीक है, रिटन टेस्ट। एल्कीन्स दी हम प्रेपरेशंस, सिर्फ और सिर्फ प्रेपरेशंस करके आने का। ठीक है, हुन हेडिंग दियो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, हाँ जी रवि, ओदे अंडर फर्स्ट हेडिंग लिखो जिहड़ी इन्हां दी मेजर रिएक्शंस है, लिखो एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, हुन आपां नूं पता ना लगे कि एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो इन्हां दी मेजर रिएक्शंस कीड़ियां होणगियां, एडिशंस, पहला ये एडिशन शो करके सैचुरेट होंगे, एरो करके लिखो जाए अंदर। सिंस एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सिंस एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सिंस एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, दे हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी, सिंस एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, दे हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी, दे हैव a very high tendency to show addition reactions. ठीक है, full stop। ठीक है राजे, add होके reagent करना दे विच, addition show करके they will change to saturated compounds, stable हो जाएंगे, pi bond खत्म हो जाएगा, याद है कि नहीं कुछ? इधर देखो, आपने की कीता सी कि अपने कोल अगर कोई एल्काइन है उदी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है पहला एडिशन शो करके एल्कीन बनन दी, फिर एल्कीन दी टेंडेंसी है दोबारा एडिशन शो करके एल्केन बनन दी, याद है कि नहीं? सो एल्कीन्स ते एल्काइन्स ए दोनों की शो करन गया एडिशंस, एक की शो करन गया सब्स्टिट्यूशंस, गुड। ठीक है ना, एल्केन्स शो करनगियां सब्स्टिट्यूशंस, ए शो करनगियां एडिशंस। सो ये हुनो काफी सारिया एडिशंस तुसी करनियां होनगियां। ठीक है, सो इस एडिशन रिएक्शंस दे विच आपां एक होर चीज इंट्रोड्यूस करांगे जिहनूं आपां कहिंदे आ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जिहड़े कि प्लस 2 विच तां बहुत ज्यादा आंदे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। ठीक है, इहदे अंडर हुण एडिशंस दे अंडर फर्स्ट हेडिंग देओ एडिशन ऑफ हेलोजन्स,
केड़े-केड़े हैलोजन्स क्लोरीन या ब्रोमीन एडिशन ऑफ हैलोजन्स क्लोरीन या ब्रोमीन ठीक है डन एडिशन ऑफ हैलोजन्स हम देखो रिएक्शन इज वेरी सिंपल इधर देखो उनके अंदर सब होते मेरे को कोई एल्कीन है मैं उस ब्रोमीन पाई आटम बॉम्ब बन गया ठीक है ब्रोमीन ऐड होगी एक कंपाउंड बन गया हम देखो ना इसकी इंपॉर्टेंस की है मतलब देखने रिएक्शन इज वेरी सिंपल कि दो ब्रोमीन आ गया एक इधर लग गई इधर लग गई ने सैचुरेट हो गया ठीक है पर इधर देखो ध्यान ना सुनो जे सपोज यही एल्कीन की जगह पे कोई बच्चा दे आंसर शुभम देगा आंसर जे एल्केन होती तो मैं ब्रोमीन पाता की होता है सब्स्टिट्यूशन हम इतने प्रोडक्ट जी मैं तेन आएगा भी रिएक्शन पूरी कर दे तो तेरा आंसर की होगा एक एच बी आर निकल जू ते उस एक्स की जगह पे बी आर आ जू है ना दिस इज योर आंसर बट अपन ने पहले सनलाइट या यूवी लाइट पाई समझ गए उस रिएक्शन ली एरो के ऊपर सनलाइट या यूवी लाइट लिखा होना जरूरी है जेड़ा कि अपन ने नहीं लिखा सो इथे अपने कोल की आऊगा नो रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं होने लगी रे इथे पहले पे कर ठीक है सो दिस इज द डिफरेंस हुन देखो फर्क की पे गया इधर ना देखो ध्यान मेरे को दो टेस्ट ट्यूब्स है एक टेस्ट ट्यूब दे विच मैं एल्कीन पाई है कोई भी एक टेस्ट ट्यूब दे विच मैं एल्कीन पाई है तो मैं सानू कहां बिना च मेनू दसो कि केड़ी टेस्ट ट्यूब च केड़ा कंपाउंड है दिस इज नोन एज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कि अपन ने आइडेंटिफाई किवें करना है कि किथे एल्कीन है किथे एल्कीन है हुन देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਇਥੇਨ ਐਂਡ ਇਥੀਨ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਇਥੇਨ ਐਂਡ ਇਥੀਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਥੇਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲਕੇਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਥੀਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲਕੀਨ ਇਥੇਨ ਇਜ਼ ਸੈਚੁਰੇਟਡ ਇਥੀਨ ਇਜ਼ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਡ Ethane shows substitution reactions. Ethene shows addition reactions. No doubt is right. है कुछ भी गलत नहीं है But एक question का answer नहीं है. How will you distinguish between या identify इधर मतलब ये होता है कि सोडे पूरे test tubes पड़ी हैं ना दो. ये दो test tubes को देख के सुनो कि मैं पता लगूंगा कि केडी test tube से alkene है क्योंकि दोनों का color बिल्कुल same होगा. Colorless. तो नॉइस दिखानी है test tube जो दिख रही है साफ. तो थोड़ा करना पता लग गया सो तुसी की करोगे तुसी दो टेस्ट ट्यूब्स और लेके दोनों च उना थोड़ा थोड़ा सैंपल लाओगे थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लिया हुन च फर्क की पौगा तुसी ब्रोमीन का एक सैंपल लिया ब्रोमीन का कलर हुंदा रजे ब्राउन हुन ब्राउन कलर सुन दिख रहे हैं आईज नाल है ना तुसी इस ब्राउन कलर चो थोड़ी थोड़ी ब्रोमीन दोनों टेस्ट ट्यूब्स च पाओगे ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਐਲਕੇਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪਲੱਸ ਕਲਰਲੈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਕਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਕਲਰਲੈਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੰਗ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਘੁੱਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲ ਚੱਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਲੈਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
शुक्र रखो ना ठीक है गुलाबी रंग ही पाना पैंदा ना तो आप जो भूरा रंग पावे तो भूरे ही बनू सो तुसीं एल्केन दे विच ब्रोमीन पाते रिएक्शन कोई हुई नहीं तो ब्रह्म कलर रह गया ठीक है नाउ ओही ब्रोमीन तुसीं इस टेस्ट ट्यूब च पाई जिहदे विच एल्कीन सी ये कलरलैस सी ये ब्राउन सी पर हुणे ब्राउन नहीं होगा क्योंकि ये ब्रोमीन तो रही नहीं ना हुण हुणे की बन गई आ कंपाउंड ये जिहड़ा कंपाउंड है ये कंपाउंड भी की हुंदा है जिथे ब्रोमीन का ब्राउन कलर उड गया वो एल्कीन है जिथे नहीं उड़िया वो एल्काइन की एल्कीन ठीक है एल्कीन या एल्काइन दे केस कलर उड़ जूगा क्योंकि ब्रोमीन एड हो जूगी जबकि एल्केन के केस कलर नहीं होगा पहले कह दिए गल ठीक है चलो पहला रिएक्शन लिखो ये चीज आप कल कंटिन्यू करेंगे या जो भी नेक्स्ट टाइम पढ़ांगे ठीक है थैंक यू